नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। देखिए, आज मैं आप लोग को ये घेरा बनाना बताऊंगी। और ये घेरा अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगे ये घेरा। और ये घेरा 2 नंबर कान्हा जी की है। तो ये घेरा चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। देखिए, हमने यहाँ तक ये चोली बना लिया है। ये 2 नंबर कान्हा जी की चोली है। और मैं इससे आगे आपको घेरा बनाना बताती हूँ। एक दो तीन, तीन चेन ले लिया। इसमें नहीं बनाएंगे, अब इसमें बनाएंगे हम। इसमें 2 बनाएंगे, फिर इसमें 1 बनाएंगे, फिर इसमें 2 बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, फिर हम इसमें 1 बनाएंगे, फिर इसमें 2 बनाएंगे, फिर इसमें 1 बनाएंगे। तो आपको मैं ऐसे ही बना के यहाँ तक बना के दिखाती हूँ। हमने यहाँ तक बना लिया है। देखिए, हमने 1 यहाँ बनाया, फिर यहाँ 2 बनाया, फिर 1 बनाया, फिर 2 बनाया। मैंने ऐसे करके यहाँ तक बना लिया है। अब इसको मैं जोड़ के बताऊँगी। तो 1 2 3, ये 3 वाले जो है इसमें हम नहीं जोड़ेंगे। ये जो डबल क्रोशिया के जो हुक है इसमें जोड़ेंगे। इसमें जोड़ के हम 1 चेन लेंगे। 1 चेन लेने के बाद ये जो 3 का चेन है उसको हम ऐसे उठाएंगे, फ्रंट पोस्ट करेंगे। फ्रंट पोस्ट करने के बाद फ्रंट पोस्ट करेंगे फिर हम इसमें बनाएंगे। तो 1 डबल क्रोशिया बनाया, फिर इसमें हम इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ हम 2 बनाएंगे, तो यहाँ हमारा डबल क्रोशिया बढ़ जाएगा। फिर यहाँ 1 आया, तो इसमें हम फ्रंट पोस्ट करेंगे। ऐसे उठाएंगे और ऐसे इसको बनाएंगे। और इसके बाद फिर देखिए, यहाँ 2 आया, तो हम यहाँ पहले शुरू वाले में हम 1 बनाएंगे, फिर ये जो लास्ट वाला है उस पर हम 2 बनाएंगे। ये लास्ट वाला जो है इस पर हम 2 बनाएंगे। और उसके बाद फिर मेरे ये 1 आ गया, तो यहाँ हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट बनाने के बाद फिर वैसे ही जैसे हमने यहाँ बनाया, वैसे ही जहाँ जहाँ ये 2 बना है वहाँ वहाँ इंक्रीज करेंगे। ये लास्ट वाले में इंक्रीज करना है, फिर यहाँ 1 वाले में फ्रंट पोस्ट करना है, फिर इस पर 1 बनाना है, इस पर 2, फिर एक जो 1 बना हुआ इस पर फ्रंट पोस्ट करना है। फिर हम यहाँ तक आपको बना के दिखाती हूँ। हम यहाँ तक बना लिए हैं। अब देखिए, हम जोड़ेंगे इसको। तो ये हमने जो डबल क्रोशिया बनाया था उसके चेन में जोड़ेंगे। देखिए, हमने जोड़ लिया, फिर 1 चेन लेंगे। अब फिर यहाँ 1 चेन लेने के बाद ये जो हम फ्रंट पोस्ट बना रहे हैं ना, ये देखिए, ये जो है फ्रंट पोस्ट, उसको हम ऐसे उठाएंगे, फिर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए, हमने बना लिया। फिर यहाँ हम 1 बनाएंगे डबल क्रोशिया, यहाँ 2, यहाँ, अब यहाँ हमने 2 बना रखा है, तो यहाँ पे हम इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे। फिर यहाँ मेरे फ्रंट पोस्ट आ गया, फिर हम यहाँ फ्रंट पोस्ट उठाएंगे, फिर हम यहाँ 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ हम बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद ये फ्रंट पोस्ट वाले आ गए, हम इसको इसे उठा के उसे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर ऐसे ही जैसे हम यहाँ बना रहे हैं ना, सबसे लास्ट वाले जो आ रहे हैं उस पर हम इंक्रीज कर रहे हैं। ऐसे बनाते हुए हम यहाँ तक लाते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। बना लिए हैं ये राउंड। अब हम 1 2 3 3 राउंड बना लिए, ये 4थी राउंड बना रहे हैं। अब इसमें डाल के फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसमें डालेंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसमें डालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे,
और ये जो लास्ट वाला जो चेन है इसमें डाल के हम दो बनाएंगे। देखिए दो बनाएंगे, फिर यहाँ फ्रंट पोस्ट आते हैं तो मैं इसको ऐसे उठाऊंगी और फिर इसको ऐसे बनाऊंगी। इसके बगल में जो है उसमें एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, ये लास्ट वाला है उस पर दो बनाना है, दो डबल क्रोशिया। फिर ये फ्रंट पोस्ट आ गए, ये फ्रंट पोस्ट को उठा के ऐसे लेंगे। तो देखिए हम ऐसे ही बनाते जाएंगे अब। तो ये एक दो तीन चार, चार राउंड हुआ है। हम इसमें और दो राउंड बना के आपको दिखाते हैं। हमने यहाँ तक बना लिया है, देखिए यहाँ तक बना लिया है। इसमें हमने छः राउंड बनाए हैं, आपको मैं गिनती करके दिखा देती हूँ। देखिए एक एक दो तीन चार पाँच छः, ये लास्ट वाले जो राउंड है, लास्ट वाले जो राउंड है उसमें हमें सात डबल क्रोशिया है। एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात डबल क्रोशिया यहाँ पे, सात डबल क्रोशिया है। अब ये फाइनल है, इसमें इसके बाद हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो आपको देखा, देखिए इसमें डाल के सिंगल क्रोशिया बनाया, एक सिंगल क्रोशिया, दो सिंगल क्रोशिया, तीन, चार, पाँच, छः, ये सात। तो यहाँ हम जैसे इंक्रीज करते आए हैं वैसे ही हम यहाँ करेंगे। ये सिंगल क्रोशिया यहाँ दो बनाएंगे, फिर यहाँ बनाएंगे, फिर यहाँ बनाने के बाद यहाँ बनाएंगे, फिर जितने भी ये हुक है ना सभी में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। और सिंगल क्रोश जितने भी हुक है इसमें सब में सिंगल क्रोशिया बनाना है। और यहाँ आके हमें दो सिंगल क्रोशिया बनाना है, यहाँ आके जहाँ हमने इंक्रीज किया था लास्ट में, ये वाला दिख रहा होगा आपको, इसमें हमें दो सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर ये फ्रंट वाले जो ये आता है, फ्रंट पोस्ट हमने जो बनाया था उस वाले में भी हमें एक बनाना है। फिर सारे में एक एक बना के फिर यहाँ दो बनाना है। ऐसे ही हम बनाते हुए यहाँ तक लाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। हमने ये बना लिया है ये, अब यहाँ मैं आपको जोड़ के बताती हूँ। देखिए ये वाला मैं जोड़ दिया, जोड़ के हम एक चेन लेंगे और इसको हम काट देंगे। इसको काट देंगे, बनके तैयार हो गया है। अगर ये घेरा आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये घेरा आपको कैसा लगा। धन्यवाद।